गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपको बहुत सारे डाउट्स हैं रिगार्डिंग DSSB। सबसे पहला डाउट हमारा यही था कि जो DSSB के एग्ज़ाम्स होंगे वो कब होंगे, हमारे चाहे PGT की बात करें, टीचिंग की बात करें या नॉन टीचिंग की बात करें। सो मैंने आप लोगों को बताया था, अभी आप लोग परेशान मत होइए, आप आराम से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। बट येस, TGT के एग्ज़ाम्स जो होंगे मैं ये बोल सकती हूँ फॉर श्योर कि आपके नेक्स्ट ईयर ही होंगे। बट येस, PGT के चांसेस आपके हैं कि कुछ पोस्ट के एग्ज़ाम्स आपके अभी हो जाएं, एंड NTT के चांसेस भी यही हैं कि आपके नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में ही आपका एग्ज़ाम के लिए मतलब एग्ज़ाम्स होंगे और आपका एग्ज़ाम कैलेंडर भी अगले साल ही आएगा। और TGT के जो थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम हैं लाइक फिज़िकल एजुकेशन है, संस्कृत है, ड्राइंग है, उनकी पॉसिबिलिटी इस साल हो सकती है। हमारा नेक्स्ट डाउट है कि DSSB की न्यू वैकेंसीज़ कब आएंगी। तो आपकी न्यू वैकेंसीज़ अब इस साल तो नहीं आने वाली हैं, आपकी वैकेंसीज़ जो हैं आपको नेक्स्ट ईयर, जैसे कि लास्ट ईयर हमें 2024 में जनवरी मंथ में देखने को मिली थी, तो इस बार भी ऐसे ही होगा। और ये बहुत लकीली हो रहा है क्योंकि पहले इससे पहले क्या होता था, DSSB की वैकेंसीज़ हर साल ऑलमोस्ट आती थी तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को मौका मिल जाता था अप्लाई करने का। इस बार एग्ज़ाम नहीं निकलता था तो हम अगले साल कोशिश कर लेते थे, बट इस बार आपको पता है 2021 के बाद 2024 में वैकेंसी आई और अब फिर 25 में आने वाली है। इसका मतलब DSSB में काफ़ी सारी पोस्ट जो है खाली हैं, इसीलिए लगातार अब दूसरा साल ऐसा आ रहा है कि DSSB में वैकेंसीज आ रही हैं। और यस, PGT की वैकेंसीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी, TGT ऑल सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी, आपको PRT की वैकेंसीज़ भी देखने को मिलेंगी, बट वो सारी की सारी आप ये बोल सकते हैं कि अगले साल ही देखने को मिलेगी। नाउ बात कर लेते हैं न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में। अब आप लोगों ने आजकल लेटेस्ट देख ही लिया होगा कि SC ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी आपका हो गया है, EWS कैटेगरी, फिजिकल हैंडीकैप, PH कैटेगरी, इनके बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा है जो कोर्ट में केस चल रहा था। तो अब आपको ये पता है कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे अगर आप किसी भी और गवर्नमेंट में, हरियाणा में अप्लाई करते हैं, राजस्थान में अप्लाई करते हैं, अगर किसी और स्टेट में जहाँ पे आप नहीं रहते हैं, तो हमें क्या होता है, तो सारे के सारे रूल्स जो होते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं, वो अपने कैंडिडेट्स जो होते हैं, अपने स्टेट की गवर्नमेंट कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है और बाकी के कैंडिडेट्स को जनरल कर दिया जाता है कंसिडर। बट दिल्ली की बात करें तो आपको ये पता है कि दिल्ली में अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी रहते हैं, दिल्ली में अगर आप अप्लाई करते हैं और आपके पास अगर SC ST सर्टिफिकेट कहीं का भी है, किसी भी स्टेट का है, तो आप लोगों का जो दिल्ली के अंदर होगा वो वैलिड होगा, सिवाय OBC के। OBC के बारे में अभी भी स्टिल अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, कोई इसके बारे में अनाउंसमेंट नहीं आई है, बट EWS के बारे में, फिज़िकल हैंडीकैप के बारे में, SC के बारे में और ST के बारे में ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि अगर हम दिल्ली में अप्लाई करेंगे, किसी भी, चाहे आप कहीं भी रहते हैं और अगर आप SC ST हैं, तो आपका, आपकी स्टेट का जो SC ST सर्टिफिकेट है वो DSSB में वैलिड होगा। आपको जो भी रिजर्वेशन दी जाती है मार्क्स के अंदर, वो चीज़ आपको दी जाएगी, मतलब आप SC ST हैं दिल्ली की तरफ से भी, आप दिल्ली गवर्नमेंट, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, तो इसमें हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है। देन बात कर लेते हैं OBC की, तो OBC अगर आप दिल्ली की OBC है, मतलब अगर आपके पास सर्टिफिकेट दिल्ली का है, तभी आप OBC कैटेगरी में मतलब कंसिडर किए जाएंगे और आपको जितने भी रिजर्वेशन दिया जाता है, आपको पता है कि उसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, मार्क्स के अंदर रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो चीज़ सिर्फ दिल्ली OBC के लिए अलाउ होगा। बट अगर आप किसी और स्टेट के OBC हैं, कहीं और है के हैं, तो आपका जो किसी और स्टेट का OBC सर्टिफिकेट दिल्ली के अंदर लागू नहीं होगा, दिल्ली में कंसिडर नहीं होगा, आप एक जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। जैसे अगर हम जनरल कैटेगरी में हैं, तो आप अगर किसी और स्टेट के OBC हैं, तो आप दिल्ली के अंदर इन जनरल कैटेगरी ही कंसिडर किए जाएंगे। इसका मतलब अगर आप CTET के अंदर स्कोर करते हैं, आपको पता है कि 60% मार्क्स जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है फॉर CTET, तो SC ST कैटेगरी को मार्क्स के अंदर रिलैक्सेशन दी जाती है, लेकिन जो OBC कैटेगरी है, अगर आप दिल्ली की OBC कैटेगरी हैं, तब तो आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी मार्क्स में, 83 नंबर पे आप लोग अलाउ होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अदर स्टेट के OBC हैं, बिकॉज आप जनरल हैं, दिल्ली के लिए आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो आपको 150 में से 90 स्कोर करना ही पड़ेगा, मतलब दिल्ली OBC के लिए 83 मार्क्स, पर जो अदर स्टेट OBC हैं उनको 90 मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे अगर आप लोग अगली अपनी वैकेंसीज के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोगों का CTET क्वालिफाई नहीं है,
तो 90 के बेसिस पे 90 को टारगेट लेके मतलब अप्लाई ना करें, मतलब 90 को लेके मेहनत ना करें। आप स्कोर ये करिए कि 150 पे से मुझे 130 140 लाने हैं, तब जाके हमारे 110 120 पे आते हैं। और इस बार का सीटेट क्वालिफाई करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं आने वाली वैकेंसीज में अप्लाई करना। आपको ये भी पता है कि जो सीटेट का सर्टिफिकेट होता है इट इज़ वैलिड फॉर PRT ओनली एंड TGT ओनली। PGT वालों को कोई भी सीटेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड सेम एक और चीज़ कि फीमेल को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा या नहीं, तो आपको पता है कि PRT को तो कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है, ना NTT की पोस्ट में एज रिलैक्सेशन होता है, ना PGT की पोस्ट में एज रिलैक्सेशन होता है। इनके अंदर तीनों के अंदर अभी तक तो आपको पता है कि 30-30 साल एज है हमारी। NTD के लिए भी 30 ईयर्स है, आपकी PRT के लिए भी 30 ईयर्स एज लिमिट है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। लेकिन TGT के केस में जो फीमेल होती हैं, फीमेल कैंडिडेट्स को 40 साल तक अलाउ किया जाता है कि वो अप्लाई कर सके। और PGT के अंदर अभी तक 36 ईयर्स थी, पर अभी ये स्टिल डिस्कशन हो रहा है। मे बी वैसे चांसेस कम ही हैं, लेकिन क्योंकि होना नहीं चाहिए इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि PG करते करते ही हमारी 26-27 एज तो वैसी हो जाती है। और अगर 36 ईयर्स जो अभी तक एज लिमिट है PGT की, तो वो मुझे लगता है कि ठीक है। लेकिन अब आगे आने वाली वैकेंसीज में ये सुनने को आ रहा है कि PGT की भी एज लिमिट 30 साल कर दी जाएगी, तो विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट राइट, वो मैं जानती हूँ। इसलिए आपको नहीं बता देती, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जो निराश हो जाते हैं। तो जब तक लेकिन कुछ वैलिड नहीं आता है तब तक हम लोग यहीं पे इसको छोड़ देते हैं। बट यस, TGT में आपको 40 साल तक एज रिलैक्सेशन मिलेगा, इट इज़ 99% ट्रू अभी तक जो सुनने में आ रहा है। तो इसीलिए अगर आप लोग अप्लाई इस बार अगर आप तैयारी कर रहे हैं TGT को लेके, तो अगर इस साल नहीं निकलता है एग्ज़ाम, तो आप परेशान मत होइए, तैयारी करते रहिए। हो सकता है 6 महीने के बाद फिर दोबारा आपका एग्ज़ाम हो जाए। और PRT वाले जो हैं, जितने भी DSSSB PRT के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों की वैकेंसीज तो अगले साल आएंगी। और एग्ज़ाम आप लोगों का ये मान के चलिए कि मई जून जुलाई के अंदर ही जाएगा आराम से, क्योंकि 2-2.5 महीने नोटिफिकेशन के बाद लगते हैं एग्ज़ाम को होने में, कंडक्ट होने में। तो अपनी तैयारी करते रहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, वैसे तो 3 साल के बाद वैकेंसी आई थी 2024 में, इस बार ये 2025 में फिर से आने वाली है। तो इसीलिए जो आप अगर एज लिमिट के अंदर लाए करते हैं, तो पूरी की पूरी मेहनत करिए, क्योंकि अगले साल आपको नहीं पता कि 2025 के बाद कब वैकेंसी आएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो 2024 की वैकेंसी आई वो 3 साल के बाद आई है। तो अगर अगले 3 साल के बाद वैकेंसीज आएंगी ना, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स तो ऐसे होंगे जिनकी एज ही निकल चुकी होंगी, जो 40-40 पार हो जाएंगे। तो इसीलिए आप ये समझ के रखिए कि 2025 वाला आप लोगों के लिए आखिरी मौका है, जिसमें आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, अपना पूरा बेस्ट देना है, अब बाकी भगवान पे छोड़ देना है। रिजल्ट का ये नहीं सोचना है कि रिज़ल्ट कैसा होगा या नहीं होगा, वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। तो मेहनत करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।